तो ये क्रैक पड़ गया। सो हमारे तीनों पहलवान रेडी। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे गाइस। आज मैंने मधुर भाई का कैमरा ले लिया है और आज मैं व्लॉग करूंगा इस कैमरे के साथ। तो अभी हम ले में हैं और यहाँ पे हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। अभी बस इंतजार था एक बंदे का जो कि आ गया है वहाँ पे। चलो आप कैमरा वापस कर देते हैं। सो बात कुछ ऐसी थी, कल का पूरा दिन पूरा रेस्ट रहा और कहीं गए नहीं थे। आज मॉर्निंग नेक्स्ट डे, अभी टाइम हो रहा है 11 और हमारा नाश्ता आ चुका है। ये रहा, अब इसमें क्या क्या पिटारे में क्या क्या है वो निकलेगा। ये आशीर भाई, विशेष और शुभम भाई, रखेंगे। तो अभी करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं। आज भी हम लोग यहीं ले में ही रहेंगे, थोड़ा सा ले सिटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो तब तक के लिए देखते रहो। अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज का दिन थोड़ा सा रहेगा लेह सिटी को एक्सप्लोर करने का। और इनर लाइन परमिट जो कि हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, और उसके लिए पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद में हम लोग जाएंगे। अभी हम दिखाते हैं कि हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे क्या सीन है यार। वो हमारी बाइकें खड़ी हैं, चारों बाइकें एक साथ। जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए हैं उस गेस्ट हाउस का नाम है गोंगमा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टे है। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या सीन है। सो अभी टाइम हो रहा है 1:09 और हम लोग थोड़ा सा लेट है। मैं आया हुआ हूँ अपनी बाइक की वॉशिंग वगैरह कराने के लिए। बहुत धन्नो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है और बाकी तीनों लोग गए हुए हैं डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, इनर लाइन परमिट जो भी हम लोगों को लेना है उसको स्टैंपिंग वगैरह कराने, और स्टैंपिंग हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर हम टहल सकेंगे नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक और बहुत सारी जगह हैं, फिर हम लोग टहल सकेंगे। तो अभी हम पहले यहाँ से मैं वॉशिंग कराऊँगा और वॉशिंग कराने के बाद में फिर हम निकलेंगे, थोड़ा सा लेह सिटी जानेंगे और घूमेंगे टहलेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पूरी लेह सिटी इसी तरीके से है, पूरे पहाड़ों के बीच में, और कितनी खूबसूरत लगती है। तो हम आ गए हैं टेल्को कार वॉश, यहाँ पे हम बाइक की अपनी वॉशिंग कराएंगे और फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। बाइक अगर देखा जाए तो पूरी ऊपर से नीचे तक बहुत ही गंदी हो गई है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे। सो ये क्रैक पड़ गया है, जो मीटर है, मीटर का जो फाइबर होता है, ये इतनी वाटर क्रॉसिंग और इतना जो ऑफ रोडिंग हुई है वो इसके चक्कर में ये पूरा क्रैक पड़ गया है। तो कोई नहीं, इसको भी फेविक्विक से जोड़ देंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ओ माय गॉड, ये भी पूरा ढीला हो चुका है भाई साहब, इसका नट बोल्ट हमको लग रहा है नट गिर गया है। शिट यार, ये तो कहो मैंने देख लिया भाई, इसको निकाल के मैं अलग ही रख लेता हूँ, ज़्यादा सही है। बाकी नट बोल्ट वगैरह हर जगह सही लगे हुए हैं, बाकी धुल जाएगी गाड़ी उसके बाद हम इसको निकालते हैं। मेरे धन्नों की धुलाई हो चुकी है और अब यहाँ से फिर से दौड़ लगाएंगे मेरे धन्नों। स्क्रूज वगैरह ढीले हो गए थे, वो मैंने टाइट कर दिए यहाँ पे। ये स्क्रू ढीला हो गया था, ये ढीला हो गया था, तो सिर्फ मीटर में फेविक्विक लगाना जरूरी है तो वो मैं लगाऊंगा। तो धुलाने के बाद में जो भी स्टिकर वगैरह लगे हुए थे वो स्टिकर सारे छूट गए हैं, क्योंकि इनके पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था पूरा लेमिनेशन का पॉलीथीन ही छूट गया। सो फाइनली बाइक की वॉशिंग कराने के बाद में हम आ पहुँचे हैं थोड़ा सा शुभम भाई की बाइक, में थोड़ा सा नट बोल्ट ढीले थे, उनको टाइट कराने थे, अभी इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। और वहीं पे तो राजमा चावल अभी आया है, तो यहीं से हम लोग अभी लंच करके और फिर निकलते हैं, कुछ देखते हैं अभी, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उस हिसाब से एक्सप्लोरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो पता चलेगा आपको आगे। तो लो जी, इतना सबको दौड़ भाग करने के बाद हम लोगों को मिल चुका है परमिट, और परमिट लेने के बाद में हम आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे, लेह पैलेस। ये देखिए हम आ चुके हैं, पूरा ये पहाड़, ये देखिए पूरा ये पूरा लेह सिटी यहाँ से नज़र आता है। पानी बरस रहा है, पहाड़ों के ऊपर साइड में स्नोफॉल हो रही है, नीचे साइड में ठंडक बढ़ गई है,
और क्या ही गजब का मौसम। ले पैलेस करीब 450 साल पुराना, जैसा कि आप लोगों ने मेरे गुलमर्ग वाले व्लॉग में अगर देखा होगा तो वहाँ पे एक हरी पैलेस था जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। सो हरी पैलेस भी उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से आपका लेह पैलेस बना हुआ है। यहाँ पे इसको देखने के लिए एक टिकट प्राइस है जिसका प्राइस आपको 25 रुपीज पे करना पड़ेगा। और हरी पैलेस जैसे कि आप लोगों ने गुलमर्ग वाले व्लॉग में अगर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने दिखाया था सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें पैलेस के अंदर है, किस तरीके से वहाँ पे राजा और उनके सैनिक और ये सब लोग बैठते थे, विचार विमर्श होता था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे करीब 100 कमरे हैं ले पैलेस में, और यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ है। ये आता है गवर्नमेंट के अंडर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो अभी हम लोग आ चुके हैं ले पैलेस के सबसे टॉप फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। सांस फूल रही है, चढ़ते चढ़ते 8th फ्लोर चढ़ना है, बहुत ही गजब की बात है भाई। और यहाँ से जो सीन है ना, एक नंबर सीन है, और वो सीन मैं दिखाता हूँ, आप इंजॉय करो। तो हमारे तीनों पहलवान रेडी ये बेटा आने के लिए। रुक जा ले पैलेस में ये कंपटीशन हो रहा है, पुशअप की कंपटीशन, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। क्या ऊपर गया चलो 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 नहीं हो पाएगा चलो ले पैलेस में आने के बाद ना ऐसा सब कुछ होता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। ऐसे थोड़ी होता है, पहले आप करो फिर मैं करूंगा। काउंटडाउन शुरू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चलो 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 क्या आप चलो चलो भाई चलो अभी देखते हैं। शुभम भाई के साथ में यासिर भाई का कंपटीशन था पुशअप का, यासिर भाई ने लगाया 26, और यही होता है ले पैलेस में, और क्या होगा। अब शुभम भाई की बारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो यासिर भाई का कहना है, यासिर भाई का कहना है कि शुभम भाई ने आधे आधे पुशअप किए हैं, तो अब ये वीडियो में चेक करना पड़ेगा कि किसने पूरे किए किसने नहीं किए, वो चेक करेंगे कहाँ जाके, होटल में चल के। अरे ये 50 मैंने भी तो किए, तो बहस किया, चल कर बैठे बैठे बैठ के पहले। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ, या तो जाएंगे शांति स्तूपा, एक जहाँ पर है जगह, क्योंकि बारिश हो रही है अभी, अगर हो सकेगा तो हम लोग शांति स्तूपा जाएंगे, अगर नहीं हो सकेगा तो फिर हम लोग जाएंगे होटल, और फिर वहीं देखेंगे कि क्या क्या करना है आगे। चलो मिलते हैं गोप्रो पे। हम लोग निकले हुए हैं अपने अपने गंतव्य की ओर, सभी का गंतव्य हमको लग रहा है कि अलग अलग है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को अपने बाइक का टायर चेंज कराना है, किसी को कुछ कराना है। मैं अगर बताऊँ तो मेरे चेहरे का ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि ठंडक के चक्कर में मेरा फेस स्किन जो है वो बिल्कुल काला पड़ रहा है। फेस के लिए तो फिर मॉइस्चराइजर या और लिप बाम, क्योंकि पूरा चेहरा फट रहा है बिल्कुल। तो मेडिसिन वगैरह लेंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30, और हम लोग बैठे हुए हैं डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए होना ज़रूरी होता है एक इन्वायरमेंट का होना, और इन्वायरमेंट मैं बता दूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसा है, किस तरीके से मैं पहली बार इस तरीके से मैं बैठा हूँ। तो ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं शुभम भाई, ये हमारे बैठे यासिर साहब, और सर आपका अपना नाम बता दीजिए प्लीज़।
मेरा नाम है सिरिंग मोरू। देखो जब हम बाहर जाते हैं घूमने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा मौका मिलता है कि नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, नई नई बातें जानते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो ये तो होता रहता है। जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे वैसे वैसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। जब आप होम स्टेज में रहोगे तो आपको ऐसा मौका मिलेगा कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठ के खाना खाओ, वो जो खाना खा रहे हैं वही सेम आपको भी सर्व करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे लिए नया था, और बाकी हमारे साथ में दो भाई लोग भी हैं, भी अपने लोग घूमेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है अब आगे आप लोगों को पता चलेगा कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए